नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर मुंबई में अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए नजर आए। सचिन ने कुछ दिन पहले बेस्ट यानी BEST बस में सफर को याद करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब उन्होंने उन्हीं पलों को याद करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में मुंबई के आइकन सचिन तेंदुलकर ने अपनी बचपन के दिनों को याद कर लिया है। बस नंबर 315 के बारे में बताते हुए सचिन काफी भावुक नजर आए। सचिन ने बताया कि उनके घर बांद्रा से शिवाजी पार्क तक का सफर वे इसी नंबर की बस के जरिए तय करते थे। सचिन अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए इसी नंबर की बस से सफर करते थे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में सचिन ने अपनी पसंदीदा सीट का भी जिक्र किया। सचिन ने बताया कि वे अक्सर पीछे की सीट में एकदम किनारे पर बैठते थे। इसके साथ ही सचिन ने मजाकिया लहजे में बताया कि कभी कभी उस सीट पर हवा की वजह से नींद भी आ जाती थी और साथ ही कई बार वे अपना स्टॉप भी भूल जाते थे। वे अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि इन सभी चीजों से उन्हें खुशी मिलती है। सचिन तेंदुलकर ने अपना पेशेवर क्रिकेट करियर बेहद छोटी उम्र में शुरू किया था। सचिन ने साल 1988 में महज 15 साल की उम्र में मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।